Hello guys, welcome back to another video at A Thrillister. Today is one of my favorite topics we are going to cover. Since my childhood, I want to make a video on that topic. और मैं कभी बना नहीं सका क्योंकि मेरे पास कोई चैनल नहीं था, कोई मीडियम नहीं था जिसके थ्रू मैं कनेक्ट कर सकूँ पब्लिक से. सो दिस वीडियो इज स्पेशल, सो जस्ट लेट्स गेट इनटू इट. सो फ्रॉम द टाइटल आपको पता चल ही गया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं. अगर नहीं पता चलता मैं भी एक बार फिर से बता देता हूँ. आज हम बात करने वाले टॉप 10 वन हिट वंडर्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में. तो गाइस, वन हिट वंडर एक टर्म यूज होती है उन लोगों के लिए जो लाइक एक टाइम में, एक उनके करियर फेज में सिर्फ एक ही बड़ी चीज़ के लिए जाने जाते हैं. यानी कि लाइक उन्होंने 50 मूवीज़ की लेकिन वो एक ही मूवी के लिए जाने जाते हैं. उनकी जो बाकी मूवीज़ हैं उसको आउट शेडो कर दिए वो एक मूवी ने. ये बेसिकली ये टर्म रेफर की जाती है म्यूजिशियंस के लिए, बट इन दिस केस बॉलीवुड एक्टर्स के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. नंबर 10 पर आता सबसे पहले पुलकित सम्राट. पुलकित सम्राट ने अपना बॉलीवुड एक्चुअली इंडस्ट्री में डेब्यू किया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो से इन 2005, और इनका शो में रोल चला 2007 तक, जहाँ पे इन्होंने क्विट कर दिया. इनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था 2012 में, लेकिन इनका ब्रीफ बॉलीवुड डेब्यू जो कि हिट मूवी के साथ हुआ था वो था 2013 में फुकरे के साथ. लेकिन उसके बाद एवर सिंस उसके बाद कुछ भी इनको कोई बड़े मूवी हाथ नहीं लगी और किसी मूवी को हिट बना नहीं पाए. दो इन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम किया उसके बाद लेकिन हिट नहीं कर पाए. 2017 में भी एक वापस से फुकरे रिटर्न्स के बाद इन्होंने पर्दे पर वापसी की, लेकिन उसके बाद से भी ही इज़ मिसिंग. तो गाइस ये हमारे नंबर लिस्ट पे आता है, नंबर 10 पे आगे बढ़ते नंबर. तो गाइस नंबर 9 पे आते हैं इमरान खान, जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था 2008 मूवी जाने तू या जानना. रोम कॉम मूवी थी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, जिसके लिए मेल डेब्यू बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. लेकिन उसके बाद ये कुछ बड़ी मूवी दे नहीं पाए. इनकी कोई मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई असाइड फ्रॉम डेली बेली, लेकिन वो भी इतना कुछ लाइक छाप नहीं छोड़ पाए, जिसकी वजह से ये भी हमारी लिस्ट में आते हैं नंबर 9 पे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक्टर की तरफ. नंबर 8 पर आते हैं. अगर गाइस किसी चीज़ को ड्रीम डेब्यू कहते हैं ना बॉलीवुड में, तो गाइस वो इस एक्टर को मिला था. इस एक्टर का नाम है जायद खान, अलॉन्ग साइड शाहरुख खान इन मे हू ना. लेकिन गाइस उसके पहले भी इनकी एक पिक्चर आई थी, उसके एक साल पहले 2003 में चुरा लिया है तुमने, बट उसे हम डेब्यू नहीं मानेंगे क्योंकि वो एक कोई नोटेबल मतलब काम नहीं कर पाए. लेकिन इनका जो ब्रीफ डेब्यू बॉलीवुड में था वो था अलॉन्ग साइड शाहरुख खान इन मे हू ना, और वो उस साल की ब्लॉकबस्टर हो गई थी. लेकिन एवर सिंस उसके बाद ये भी लापता हो गया, इसलिए हमारी लिस्ट में आता है नंबर 8. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक्टर की तरफ. शायद हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं शाइनी आहूजा, जिनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, और जिसको फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला है मेल. लेकिन इन्होंने कुछ नोटेबल काम नहीं किया. उसके बाद इनको फिल्म मिली थी भूल भुलैया 2007 में, जिसके बाद से ये भी कुछ खास काम नहीं कर पाए बॉलीवुड के अंदर. तो इसलिए हमारी लिस्ट में आते हैं नंबर 7 पे. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक्टर की तरफ. तो गाइस हमारी लिस्ट में नंबर 6 पे आती है तनुश्री दत्ता. तनुश्री दत्ता मिस यूनिवर्स रह चुकी है 2004 में, जिसके बाद इन्हें एक लीड रोल मिला था आशिक बनाया आपने इन 2005, विच वॉज अ बिग हिट ऑफ द ईयर. गाइस इमरान हाशमी स्टारर आशिक बनाया आपने बहुत बड़ी हिट थी, इसकी वजह से तनुश्री दत्ता हमेशा के लिए यादगार एक्ट्रेस में से एक हो गई. लेकिन उसके बाद वो कोई बड़े पर्दे पर ज़्यादा फिल्मों में नज़र नहीं आई और वो मिसिंग हो गई. लेकिन अभी रिसेंट में आए और उन्होंने मी टू कैंपेन वापस रिलॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में थी. इसी वजह से ये आती है हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक्टर की तरफ. नंबर 5 पे आते हैं आयशा ताकिया. तो गाइस आयशा ताकिया ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था 2006 मूवी टार्जन द वंडर कार से, लेकिन सॉरी 2004 मूवी टार्जन द वंडर कार से, जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था. लेकिन वो फिल्म वॉज नॉट दैट हैवी सक्सेस, लेकिन इनको लीड करते हुए 2009 में इनको वांटेड ऑफर हुई जो बहुत बड़ी सक्सेस थी. लेकिन इसके बाद आयशा ताकिया बॉलीवुड से छू मंतर हो गया. उसके बाद वो ज़्यादा फिल्में वेरियस फिल्मों में दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से ये हमारे लिस्ट में आते हैं नंबर 5. तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले एक्टर की तरफ. तो नंबर 4 पे आते हैं अमीषा पटेल. गाइस अमीषा पटेल ने डेब्यू किया था 2000 में ब्लॉकबस्टर कहो ना प्यार है, जिसके बाद इनको गदर एक प्रेम कथा मिली और इसके सक्सेस
आगे बढ़ी अनकही 2006 के साथ। लेकिन गाइस जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये बॉलीवुड की गलियों में कहीं खो गई और इनकी एक्टिंग दब के रह गई। इनको भूल भुलैया में एक बिग पुश फिर मिला लेकिन इनका फिर बैठ गया और अभी तक ये स्ट्रगल ही कर रही हैं, उस पुश से उबर नहीं पा रही हैं। द फेलियर इज गेटिंग अमीषा पटेल और अब वो ज़्यादा मूवीज़ में दिखाई भी नहीं दे रही है और अब वो उनके ब्रेक डाउन पर जा रही हैं। तो गाइस इसलिए वो हमारे लिस्ट में आती हैं नंबर 4 पर। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्टर के, तो नंबर 3 पे आते हैं भूमिका चावला। तो गाइस भूमिका चावला कोई भी कैसे भूल सकता है, तेरे नाम जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी 2003 में जो आई उसमें काम किया भूमिका चावला ने। लेकिन उसके बाद वो जैसे वैनिश ही हो गए बॉलीवुड इंडस्ट्री से, कोई ज़्यादा फिल्मों में दिखाई नहीं दी क्योंकि इट वॉज अ बिग सक्सेस तेरे नाम। और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि भूमिका चावला जी और भी पिक्चरों में काम करेगी और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आएगी, लेकिन वो नहीं आई और जिसकी वजह से ये हमारी लिस्ट में आती है नंबर 3 पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले एक्टर की तरफ। तो नंबर 2 पे आते हैं ग्रेसी सिंह। तो गाइस ग्रेसी सिंह को आपको याद है, ग्रेसी सिंह इज गौरी का कैरेक्टर प्ले किया था जो आमिर खान का लव थी। तो गाइस ये रोल वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल रोल में से एक था और ग्रेसी सिंह की बहुत सराहना हुई, लेकिन उसके बाद ये भी वैनिश हो गए बॉलीवुड इंडस्ट्री से, ज़्यादा बिग रोल लैंड नहीं कर पाए जिसकी वजह से ये हमारी लिस्ट में आते हैं नंबर 2 पर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे, उनका नाम है राहुल रॉय। अगर किसी एक्टर को अपना ड्रीम रोल और ड्रीम डेब्यू मिला है तो वो ये है जाहिद खान के से भी पहले राहुल रॉय, जिन्होंने आशिकी जैसी मूवी दी थी और वन ऑफ द बिगेस्ट हिट दी थी रोमांस में। माय गॉड व्हाट अ मूवी दैट वाज। लेकिन वो ये सक्सेस को कैपिटलाइज नहीं कर पाए और जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन पर चले गए, तो इसीलिए आते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर। तो गाइज ये थी मेरी लिस्ट टॉप 10 वन हिट वंडर्स के बारे में। अगर गाइज आपको कुछ और जानना है बॉलीवुड से रिलेटेड जस्ट कमेंट डाउन बिलो, फर्स्ट सब्सक्राइब देन प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट शेयर इफ यू कैन, ट्रस्ट मी इट बी प्लेजर फॉर मी टू मेक वीडियोज फॉर यू गाइज। थैंक यू, बाय बाय।